PSL का मैच जो है दूसरा मैच बिटवीन लाहौर कलंदर एंड पेशावर जलमी स्टार्ट होने जा रहा है और पेशावर जलमी ने आई थिंक लाहौर ने टॉस जीता है और पेशावर जलमी को पहले बैटिंग की दावत दी है। वैसे आज अगर लाहौर हार गया तो भाई टाटा बाय बाय, पक्का पक्का लाहौर बाहर हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है आज मैच क्लोज होगा। राउंड अबाउट टारगेट जो है ना मेरे ख्याल से पेशावर जलमी को 160 या 170 तक देना चाहिए ताकि मैच कोई अच्छा हो और देखने का मजा भी आए। लेट्स सी क्या होता है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा पूरे व्लॉग में, मिलते हैं आपको स्टेडियम में जा। भाई हमारे साथ कुछ क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? सर सपोर्ट दोनों ही पाकिस्तान की टीमें हैं। शाहीन को ओवर देखने आए हैं, बाबर आजम की ड्राइवे देखने आए हैं। बाबर आजम 50 करे और शाहीन 3 विकेट ले। हां विकेट लेगा। मैच टाई तो नहीं होना यार, एक ने जीतना है, कौन जीतेगा? पेशावर। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर का सपोर्ट कर रहे हैं। पठान है वैसे ही। नहीं पठान की वजह से नहीं, वैसे यार टॉस हो चुका है और लाहौर के अंदर ने टॉस जीत के बैटिंग दी है पेशावर जलमी को और ये गेट नंबर 9 ढूंढ रहा हूँ। लेट से कहाँ तक जाके मिलता है मुझे, ये कजाफी स्टेडियम की बैक साइड है और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था इस बार। वैसे इतना लास्ट टाइम जैसे होता ना कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता, लेकिन अब की बार इतना कोई सीन नहीं था, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आप तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं आप स्टेडियम में चले जाते हो। लेट सी अंदर का क्या माहौल है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इसलिए मेरे से पूछो तो मैं तो चाहता हूँ कि आज का मैच जो है ना पेशावर जलमी जीते, क्योंकि बाबर पहले 2 मैच हार चुके हैं बाबर की टीम और लाहौर यार पहले टाइटल 2 से 3 बार जीत चुका है। फायदा नहीं है लाहौर अगर ये मैच जीत भी जाए, क्योंकि आगे वाले मैच लाहौर हारने वाली है। लाहौर की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बिल्कुल गिरी हुई है। और बाकी यार आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आप किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर आज 50 करेगा कि नहीं करेगा, जरा कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। हमारा जो गेट नंबर 9 आ चुका है, अब हम जाएंगे अंदर गेट नंबर 9 और सीधा अंदर। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर, चेकिंग दोबारा से होगी और लाइन में लगना पड़ेगा। स्टेडियम के अंदर हम इंटर हो चुके हैं, ये गेट था और मेरे ख्याल से दोबारा फिर इनको चेक करवाना पड़ेगा यहाँ पे। CNIC अपना टिकट का ये हाल हो, स्टेडियम के अंदर इंटर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से क्या सीन है, चलो अंदर जाके बताता हूँ आपको क्या सीन है। टिकट की टिकट दिखाता हूँ यार, ये रे टिकट भाई और आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आवाम देख ले मेरी साइड पे, ठीक है? और ये लाहौर के सपोर्टर ज्यादा होंगे आई थिंक सो, लेकिन आज का मैच पेशावर जलमी जीतेगा, मैं सीधी तरह बता दूं आप लोगों को। लेट्स से गाइस ये वाइब है सारी, पीछे मेरे आप आवाम देख सकते हैं सारी, काफी जो है इस वक्त लोग जो है स्टेडियम मेरे ख्याल से कचाकच भरेगा आज लास्ट मैच लाहौर का इस स्टेडियम में। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। गाइस बाबर आजम सामने क्रीज पर मौजूद हैं और आई थिंक लाहौर ने टॉस जीत के बैटिंग दी है पहले पेशावर जलमी को। ये सामने बाबर आजम, स्क्रीन पर सब लोग देखेंगे जल्दी से, बिग स्क्रीन पर देखिए काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, आप सब लोग मेरे साथ वो काउंटडाउन करेंगे। बाबर का क्रेज चेक करें आप, इस बाबर आजम पहली गेंद खेलने लगे हैं इस मैच की और लेट्स सी क्या। ओए ओए ओए, पहली बॉल वाइड, ये लोगों को देखें यार। कौन आया? अक्सर लावा। इस 4 ओवर का खेल हो चुका है और इस वक्त 31 पे कोई आउट नहीं हुआ जलमी का और सामने जो है ना सिकंदर रजा खड़े हैं। अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ना ये राउंड अबाउट 200 प्लस टारगेट देंगे और सैम अयूब आज सेंचुरी करेगा भाई, सेंचुरी करेगा, दिखाता हूँ जरा मैच आपको। अभी जो इस वक्त स्कोर चल रहा है गाइस 136, नॉट आउट, कोई आउट नहीं हुआ पेशावर जलमी का और आई थिंक 15 ओवर चल रहा है और खेल रहे हैं बाबर आजम और सैम अयूब।
आउट हो गया बाबर, आउट हो गया यार, अबे 50 तो बना लेता। ओमन पावल का चेक कर रहे हो कि एज हुआ है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ एज और ये आउट नहीं हुआ। इस वक्त जो है 143 एक खिलाड़ी आउट। मोहम्मद आसिफ ने भी हमेशा से ऐसे ही आउट होता है, नो बॉल तो नहीं है। अच्छा नो बॉल चेक कर रहे हैं, नो बॉल चेक कर, नो बॉल नहीं है, नहीं है, नो बॉल तो नहीं है, आउट हो गया, चला गया मोहम्मद आसिफ जो है वो चले गए, ये जा रहे हैं। 200 अप हो गया, 200 अप। हो गई है 50 और लाहौर अच्छा जा रहा है, ऐसे ही खेलता रहा तो मेरे ख्याल से लाहौर करीब आ जाएगा, लेकिन जीतने वाली कंडीशन में भी नहीं है। और बाबर देखेंगे, बाबर 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 साहब आ रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल सामने है सर, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज हियर। इसी के लिए मैच देखने आए हम बाबर, बाबर भाई बिल्कुल करीब आ गया हमारे, ये रे बाबर 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 बाबर। इस तरह के मैच कौन जीतेगा यार, कौन जीत रहा है मैच? पेशावर जीत रहा है, पेशावर जीत रहा है। कितने स्कोर से ये मैच जीतेगा पेशावर? 22 नहीं यार, लाहौर भी अच्छा खेल रहा है यार, 19वीं ओवर 20वीं ओवर तक जाएगा ये मैच पहले ही। कितने आउट होंगे लाहौर के? 7-8। लेट्स सी गाइस क्या होता है इस मैच में, और वैसे मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। और भाई सैम ने क्या बैटिंग की है, सैम कमाल करके आज, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी 5 ओवर पड़े हैं, क्रिकेट छोटे बच्चे मौजूद हैं लवर्स। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो तुम बताओ? लाहौर को। लाहौर ने तो मैच हार जाना है भाई, एक बॉल पे 6 कर लिया, तो एक बॉल पे 6 करने से मैच तो नहीं जीता जाता। हाँ एक बड़ा ओवर चाहिए, अभी टाइम है, अभी टाइम है। अभी कितने ओवर पड़े हैं लाहौर? अभी 7 ओवर पड़े हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ी पड़े हैं अभी लाहौर के? कार्लोस ब्रेथवर्ड, शाहीन, हाँ ब्रेथवर्ड नहीं खेल रहा, हाँ ये बस ये रह गया, नहीं खेल रहा, खेल रहा, खेल रहा, बॉलिंग तो करवाई है उसने। हाँ चलो देखते हैं, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? शावर को। कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है? बाबर आजम। बाबर आजम क्यों पसंद है तुम्हें? अच्छा सही, चलो अच्छा अच्छा खेला है बाबर आजम ने। सैम को क्या होगा, उसने अच्छे स्कोर बनाया आज, मजा आया। चलो ठीक है गाइस, देखते हैं भाई इनकी टीम कौन सी, इनकी पेशावर जलमी टीम है और इनकी जो है लाहौर कलंदर। वाइप कर दो, वाइप कर दो, टूर्नामेंट भी हार चुकी है। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त अख्तियार कर चुका है, 14 बॉल पे 34 स्कोर चाहिए और लेट्स से क्या बनता है। और ये दिखाते हैं आपको, बाउंसर नहीं देगी, नहीं होता स्टेडियम में कोई आ गया मिलने फैन, ये जैसे ही छक्का लगा और सेंचुरी हुई है, ये भाई ग्राउंड में आ गए थे। लाहौर का लास्ट ओवर मैच बड़ा, क्या मजा आया मैच का, 6 बॉल्स पे 18 रन। सिंगल हो गया भाई, सिंगल हो गया, सिंगल
लाहौर इस तरफ जो है आई थिंक थ्री बॉल पर 16 रन है, मुझे नहीं लगता लाहौर बनाएगा ये। बाकी यार थोड़ा सा इन्होंने गलती की, कार्लोस ब्रैडफोर्ड को पहले भेजना चाहिए था जहाँ पे इन्होंने वो इमरान भट्टी को भेज दिया था, क्योंकि उस तरह से वो बड़ी हिटिंग नहीं करता। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। हाँ क्या बना लाहौर का, हाँ क्या बना क्या बना, इधर देखो इधर देखो क्या बना लाहौर का। अभी अभी भी चांस है चांस है भाई चांस है। हाँ नहीं है चांस नहीं है, चलो देख लेते हैं देख लेते हैं देखते हैं जलमी क्या करता है। अभी ये देख इसको देखो फिर शॉट, नहीं नहीं हाँ भाई जलमी 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 ये देखो तो सही इधर एक बार। गाइस लाहौर मैच हार चुका है हमेशा की तरह, लगातार 5 मैच हार चुका है लाहौर और टूर्नामेंट से भी आउट हो गया होगा पक्की बात है। बाकी अगले 5 भी जीत सकता है एकदम से इकट्ठे सारे मैच। बाकी ओवरऑल शाहीन की कैप्टनशिप इतनी अच्छी रही थी इस बार, कुछ बैटिंग चेंजेस और जो ऑर्डर किए हैं ना बैटिंग में जो चेंजेस किए हैं वो अच्छी नहीं थी। अच्छी बाकी सारे मैचेस में बैटिंग अच्छी थी लाहौर की, लेकिन इस मैच में बैटिंग ऑर्डर जो सिचुएशन ना वो अच्छी नहीं थी। हाँ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ब्लॉग बना रहा हूँ RJA 500। हाँ यस ओके जीत गया भाई जल्दी मैच जीत गई है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इस टाइम से गुड बाय अल्लाह हाफिज़ गाइस। गाइस मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज की मैं शाहीन अफरीदी को एक थोड़ी मशवरा देना चाह रहा हूँ कि बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस किए ना शाहीन ने आज, इसकी वजह से लाहौर मैच हार गया। लास्ट मैच भी ऐसे ही हारा था लाहौर करीब आके बिल्कुल, और ये मैच भी बिल्कुल करीब आके हारा है जहाँ पे आपने इमरान भट्टी को भेज दिया। यार इमरान भट्टी कितना का बड़ा हिटर है मुझे ये बताएं ज़रा, और शाहीन को चाहिए थोड़ा अग्रेसिव होकर कैप्टनसी करे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई लाहौर अगले 5 मैच भी हार जाएगा बॉटम पे आएगा टेबल की बॉटम पे, जो प्रीवियस मतलब लास्ट PSL की विनर टीम बॉटम पे क्यों आएगी कैसे आएगी जरा शहीन को चाहिए तो अच्छे डिसीजन ले थोड़ा सा। एक्सपोज हो रहा है शहीन भाईजान एक्सपोज हो रहा है, अभी क्या चाहिए अगर इस तरह से शहीन एक्सपोज हो रहा है ना तो भाई वर्ल्ड कप के लिए कैप्टनसी जो है ना रिजवान को दे देनी चाहिए रिजवान को। चले ओवरऑल अच्छा मैच था मजा आया, और बेस्ट ऑफ लक बाबर को, जलमी कमाल करके सैफ कमाल के खेल रहे हो यार तुम आज, क्या नाम था सैम अयूब अखीर कर गए, तुम्हारी सेंचुरी बनती थी लेकिन चलो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। अभी छोटे स्टेडियम वाले मैचेस आना शुरू हो जाएंगे पिंडी में, चले पिंडी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दिस टाइम टू से गुड बाय और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।